बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये वीडियो हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 600 पॉइंट्स तक गेन दिया, तो अब मार्केट का आगे व्यू क्या होगा वो आज हैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या जो है ना मार्केट आगे कैसा बिहेव कर रही है, करती नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, मार्केट का व्यू शेयर करने से पहले हम थोड़ा सा बैक चला चले गए, ठीक हाँ है। जी 3-4 दिन पहले जो कि हमने वीडियो अपलोड की थी उसका क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। सो हम लोगों ने ये कहा था कि 65,000 मार्केट जब टच कर रही थी कि मार्केट थोड़ी सी आगे जाएगी अब, ठीक है। वो हमारे एल्गोरिदम ने ये कहा कि आगे जाएगी और वो गई है आगे 67,000, क्योंकि इसका अल्टीमेट अल्टीमेट स्टॉप है जहाँ से ये पहले वापस हुई है। सो एल्गोरिदम हमारा ये कह रहा है कि ये मार्केट अब थोड़ी रेंज बाउंड सिचुएशन में चली जाएगी, ठीक है। थोड़े दिनों के लिए ये रेंज बाउंड सिचुएशन में चली जाएगी, चूँकि रेंज बाउंड सिचुएशन में लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पे स्क्रिप्ट को पकड़ना मुश्किल है। ट्रेंड एक चल रहा हो ना तो समझ आ जाती है कि अच्छा इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, ठीक है। न्यूज़ बेस्ड एक्टिविटी आ जाती है रेंज बाउंड में और फिर रिजल्ट्स एक्टिविटी आ जाती है, तो इस तरह डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। उसमें बहुत मुश्किल है लॉस को बचाना, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड कि आपके पास जो जो शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ पार्शल प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, सही है। ऐसा नहीं होगा मार्केट जो है ना एकदम 67 ब्रेक कर जाएगी। मार्केट अब थोड़ी सी अगर ऐसा हो जाता मतलब है तो करेक्शन फेज में हाँ, आएगी। थोड़ा करेक्शन लाजमी करेगी। वो ये है कि 65 to 67 जो है ना मार्केट ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम फिर के और देन जो है ना आगे चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगी, अब थोड़ी 2-4 दिन लेगी। ये वीक बहुत क्रुशल है। 65-200 से ऊपर ऊपर वीक को मेंटेन करना है, और अगर ब्रेक हो जाता है, अगर मतलब कि इंस्टेंट ब्रेक हो जाता है मार्केट 67 गई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फिर एक नए आई तो फिर गई गई ना, ठीक है। लेकिन अगर सही आहिस्ता आहिस्ता करके करती है तो फिर टेक्निकली चलेगी वो। इसका मतलब ये है कि 69 पे रुकेगी, 71 पे रुकेगी, 74 पे रुकेगी, तो इस तरह करके मार्केट चलेगी टेक्निकली, ठीक है। लेकिन ये कुछ पीरियड ऑफ आफ्टर सम पीरियड ये जो हो ना वो कुछ होगा। हाँ चलो जी, अब सब्सक्राइबर, जिस तरह की माय वीडियो का टाइटल है कि अपर कैप के स्क्रिप्ट्स कौन कौन से हैं, अच्छा, जैसा तो कि सबसे पहले आप इनको ये बता दें अपर कैप के कौन से स्क्रिप्ट्स वो हैं। भी बताते हैं हम, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अपर कैप हम बता रहे हैं, ठीक है जी, अपर कैप बता रहे हैं। लेकिन अपर कैप को आपने ध्यान में रखना है कि ये क्योंकि मार्केट अपनी ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो जिसने भी लेना है कुछ, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में लेना है, छोटी क्वांटिटी में लेना है ताकि लॉस हो या कुछ भी ऐसा हो एक्टिविटी जो कि, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर चली गई उसमें थोड़ा बहुत नीचे आना ज़रूर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना शेयर जो हम बता रहे हैं वो उधर ही खड़े रहेंगे, उन्होंने भी थोड़ा मूव करना है क्योंकि वो बड़े में शेयर है ना थोड़े। सो ये आपने ध्यान रखना है कि आप जो है ना क्या करें, ठीक है। सो पहला स्क्रिप्ट जो कि हम बताते हैं वो ये है कि AGL, ठीक है, AGL, ठीक है। AGL का नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने ये बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। आज उसने एक नया ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट ये कंफर्म हो जाएगा आफ्टर 17.5 क्लोजिंग, ठीक है। सो अगर इससे ऊपर अगर ये क्लोजिंग आज दे गया तो ये फिर अपने सफरे आखरत पर रवाना है, ठीक है। अगला टारगेट इसका इंस्टेंट टारगेट 24 और 27 होगा, लेकिन उसके लिए मार्केट को लाजमी सपोर्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ना आगे चला ऊपर जाए। चला जाएगा। हाँ ठीक है। दूसरा स्क्रिप्ट हम बताते हैं आपको PPL, ठीक है। अच्छा PPL की क्या कहानी है, PPL को आपने समझ लेना है। PPL जो है ना वो रेजिस्टेंस एरिया है इसका 127 का, ठीक है, 126-127 ये इसका रेजिस्टेंट एरिया। ये तोड़ेगा तो फिर ही आगे अपने हाइस की तरफ जाएगा दोबारा, ठीक है। तो इसको या तो आप ट्रेड के लिए रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल या फिर इसको आफ्टर 127 आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, आपने जो करना है, लेकिन ये कि कल ये थोड़ा बहुत गेन देगा, 123-122 तक तो लाजमी आएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये डिसाइड करेगा कि इसने करना क्या है। AGL लेकिन अपर कैप में जा सकता है, अगर मार्केट कल पॉजिटिव रहती है तो AGL का कंफर्म इंशाल्लाह अपर कैप है, ठीक है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आई अपर खुल के तो फिर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड। थोड़ी ट्रेड करनी है आप लोगों। अच्छा उसके बाद क्या है, मीन्स कि अगर बाय करना है तो थोड़ी क्वांटिटी में बाय थोड़ी करना है, क्वांटिटी में ये बाय नहीं कि करना एक ही है। दफा गड़े भर लें। नो नो नो, अब वो टाइम चला गया गड़े भरने वाला, ठीक सही। है। हाँ वो आएगा अब 67 के बाद, ठीक है। ऑल दो के इट सीम्स के वो 67 को ब्रेक करेगा,
ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप थोड़ा खरीदें, थोड़ा नीचे आगे खरीद लें, थोड़ा और नीचे आगे खरीद लें, थोड़ा और नीचे आगे खरीद लें, तो मतलब अच्छे शेयर को आप ऐसे एकोमोडेट कर लें। ठीक, हाँ, अगर इंस्टेंट आपने लेना है तो आप लें और 1-2 घंटे बाद निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो और क्या था तीसरा स्क्रिप्ट मेरे जहन से निकल गया? से निकल गया। OGDC का एक ओवर भी बता दें। OGDC, अच्छा, OGDC आप जो है ना, OGDC क्योंकि अपना एक ब्रेक थ्रू उसने दिया है स्मॉल टाइम फ्रेम में, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में ये अभी भी फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये गैप को फिल करेगा, ये वाले गैप को, ठीक है। सो 137 to 138, ठीक है, ये इसका एरिया है जहाँ से इसने बैक होना है, बिल्कुल ठीक है। इवन के आप इसको 140 भी कर सकते हो, अगर ये 140 के ऊपर क्लोजिंग दे गया फिर ये गया, ठीक है, फिर ये चला गया, फिर नहीं ये वापस आएगा, फिर ये अपने 151 और 167 ये जो प्रीवियस हाइज इसने लगाए हैं ना उसको ये चेज करेगा, ठीक है। तो 139 तक मार्केट भी जो है ना वो 66,800 के करीब करीब पहुँची खड़ी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये मूव करेगा तो मार्केट का इंडेक्स बहुत तेज़ी से मूव करता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, अगर इसको लॉक पड़ता है तो मार्केट फिर अल्टीमेट 67 ब्रेक मारेगी, ठीक है। तो ये 139 इसका बैक शॉर्ट वाला एरिया जहाँ पे इसको शॉर्ट पड़ेंगे, 138, 137, 139, ये 3-4 रुपये का जो विंडो है ना इसमें शॉर्ट पड़ेंगे इसको, ठीक है। वहाँ पे मार्केट भी 66,500 को ऑलमोस्ट अप्रोच करी खड़ी हुई। सो ये बड़े ध्यान में रखना है आपने कि इसको जो है ना इसके प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है, अगर किसी ने नीचे लिया तो इस विंडो में प्रॉफिट अपना बुक कर सकता है, सही ठीक है। है, पार्शल बुकिंग की तरफ जा सकता है। उसके अलावा आखिरी जो है ना वो PIA है, ठीक, PIA, PIA बहुत ज़बरदस्त गेन दे रहा है 2 दिन से, ठीक है। थर्ड कैप इसका एक्सपेक्टेड है कल, ठीक है, लेकिन मार्केट की सपोर्ट के साथ, आप विदाउट मार्केट सपोर्ट ये भी दोबारा से नीचे आएगा 12.5 तक और फिर ऊपर जा सकते हैं। तो ये 3-4 स्क्रिप्ट है हमारी तरफ से, और ये जो है ना एक बात याद रखें, मार्केट अभी रेंज बाउंड मारी रहेगी। हाँ, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड रहेगी, ठीक है। बहुत से लोग सी सैप था, एक अच्छी बात ये है कि सी सैप पुरानी वीडियो में हमने सी सैप का के लॉक पड़े, ठीक है, सी सैप की न्यूज़ जो थी ना वो नेगेटिव थी, लेकिन हम लोगों ने आफ्टर एनालाइजिंग कि हमने टेक्निकली एनालाइज किया कि हमने कहा जी इसको कैप पड़ेगा, स्पोर्ट एरिया भी हमने बताया, सब बताया, तो हुआ ये कि मार्केट सब कह रहा था कि सी सैप को नेगेटिव लॉक पड़ेगा, मतलब नीचे का फ्लोर लगेगा, लेकिन वो ऊपर का लगा, तो वैसे ही हुआ जैसे हमारा उसको सीलिंग लग गई। हाँ, उसको नहीं नहीं सीलिंग नहीं, उसको रूफ टॉप लग गई। अच्छा, हाँ, तो फ्लोर ना लगा, वो रूफ टॉप लगा गया। तो MFFL भी हम लोगों ने ये कहा था कि एक्सपेक्टेड है इसका अपर कैप है, लेकिन 65,200 मार्केट पहुंच गई तो इसमें सेलिंग ज़रूर आएगी, तो उसने 182 का हाई लगाया, लेकिन 65,200 पे मार्केट ने बैक मारा तो उसमें फिर करेक्शन आ गई है, ठीक है। तो वो भी कोई अगर लेना चाहता है तो 157 से ऊपर उसको लेके बैठ सकता है, कोई मसला नहीं है उसमें, पॉजिटिव स्क्रिप्ट है, अच्छा गेन दे सकता है, क्या पता कल लॉक पड़ जाए उसमें, ठीक। तो 157 तो कुछ भी सकता है, 157 से ऊपर वो सिक्योर है, उसमें कोई मसला नहीं है 157 से ऊपर, ठीक है। 157 तोड़ेगा तो फिर ही 139 के उसमें आएगा, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से था, किसी ने अगर सब्सक्राइब करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमारे चैनल पे जो है ना ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, प्रॉपर्टी डीलर का भी हमारा चल रहा है, ठीक है, जिसने DHA का प्लॉट कंसीडर वो करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई करना चाहता है, और DHA के प्लॉट इस टाइम मतलब के पिक मार रहे हैं, ठीक है। तो हमने मैंने अपने लिए हुए, तो मुझे ये उन्होंने बताया है कि आप जो है ना 38 वो क्रॉस कर गया उसको, 34 सॉरी, अब जो भी प्लॉट है वो 34 से ऊपर का ही मिल रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी पिक करता जा रहा है, तो अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस व्हाट्सएप पे नंबर को कॉन्टैक्ट कर ले जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, और अगर इसके रिलेटेड चाहिए तो ये व्हाट्सएप हमारा जो दिया हुआ है गिवन, इस पर कॉन्टैक्ट करें, और वेबसाइट पे भी जा सकता है, वेबसाइट हमारी rpcapitalhub.login है, इस पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर ले, तो नंबर ऑफ वेज हैं हमें एक्सेस करने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।